कांग्रेस एमपी शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और सच सामने लाने के लिए एजेंसी शशि थरूर का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कर सकती है। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। सुनंदा की मौत की जांच करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शशि थरूर के ड्राइवर और घरेलू नौकर से पूछताछ की। एफबीआई की रिपोर्ट के बाद आई अंतिम रिपोर्ट के बेस पर दिल्ली पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि सुनंदा को जहर किसने दिया था। 17 जनवरी 2014 को सुनंदा का शव दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में एक कमरे में मिला था। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल जनवरी में सुनंदा की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज किया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सुनंदा की मौत जहर की वजह से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने वॉशिंगटन की एफबीआई लैब से विसरा सैंपल भेजकर जांच कराई थी। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की जांच के बाद एम्स की फाइनल रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है। उनके शरीर में एल्प्रेक्स नाम का जहर पाया गया था। शरीर पर इंजेक्शन लगने के भी निशान मिले थे। खैर, कांग्रेस एमपी शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर हत्याकांड का रहस्य बरकरार है। इस मामले में विशेष दल ने फिर से जांच शुरू की है। इस पूरे मामले में शशि थरूर का नाम शुरू से ही शक के दायरे में है और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि कई महीनों की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद भी पुलिस इस केस में किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाई है। इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी शुरू से ही उलझाने वाली रही है। अमेरिकन जांच एजेंसी एफबीआई के लैब में हुई जांच के बाद भी कोई खास जानकारी नहीं मिल पा रही। ऐसे में अब लाई डिटेक्टर से कौन से राज खुलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा और आने वाले दिनों में क्या रहस्य से पर्दा उठेगा ये भी देखना होगा।